हरे कृष्णा डायमोटर ट्रेड चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो अजन्मा का जन्म होने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल बहुत सही सुना आपने। तो जन्माष्टमी आने वाली है, तो इस जन्माष्टमी के ऊपर में हम कुछ श्रवण करेंगे। तो आज से आने वाले कुछ दिनों तक हम जन्माष्टमी पर एक वीडियोज़ की श्रृंखला बनाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करते हैं अजन्मा के जन्म के ऊपर में। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के श्लोक क्रमांक 9 में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्त्वतः त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये अर्जुन, मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों दिव्य है, और जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जान लेता वह दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। तो देखिए, भगवान की जो लीला है ना, हमारे इंद्रियों के लिए उत्सव के समान है। जैसे आँखों के माध्यम से हम श्री विग्रह के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, कान के माध्यम से हरि की कथा सुनते हैं, राइट, नाक के माध्यम से भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी को सूंघते हैं, जिह्वा के माध्यम से हम भगवान के प्रसाद का आस्वादन करते हैं, हरिनाम को लेते हैं, और त्वचा के माध्यम से हम भगवान की सेवाएँ करते हैं, राइट। तो भगवान का क्या वास्तव में जन्म होता है? क्या जन्म सांसारिक जन्म है? तो जी बिल्कुल नहीं, भगवान का जन्म कभी भी सांसारिक जन्म नहीं है, बल्कि भगवान प्रकट होते हैं। और इस बार की जन्माष्टमी है, जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, इस बार की जन्माष्टमी 5250वीं बर्थ ईयर है भगवान की, यानी कि भगवान के प्रकट हुए इस धरती पे 5250वां साल इस बार मनाया जाएगा। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, जो वर्षा ऋतु में आती है, रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे चंद्रवंश में भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए पीताम्बरी धोती किरीट कुंडल मकराकृत कुंडल कमर कंकणियां बाजूबंद नुपुर ये सभी भगवान वनमाली श्रीवत्स कौस्तुमणि को धारण किए भगवान प्रकट हुए उस मथुरा के कंस के कारागृह में। ऐसे तो भगवान अजन्मा हैं, लेकिन प्राकृत जगत में उनका प्राकट्य के कारण जो है भगवान भगवद्गीता के 4th अध्याय के श्लोक क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 8 बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युस्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् पित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ऐसे लीला के दृष्टिकोण से वसुदेव और देवकी भगवान के माता और पिता हैं, और उनका पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। किस प्रकार मथुरा के कारागिरी में भगवान प्रकट हुए, योग माया की शक्ति से किस प्रकार प्रहरी सो गए, किस प्रकार भगवान रातों रात मथुरा से गोकुल पहुँच गए, और किस प्रकार से समय आने पर आततायी कंस का उन्होंने वध किया, और किस प्रकार से अजन्मा के जन्म में अगली लीला क्या होगी, उसको हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।